Hello student, welcome to Katyayan Academy. Today I am going to start the chapter quadratic equation and this is the second video of this chapter. हमारे इस चैप्टर का ये स्टूडेंट सेकंड वीडियो है. In this video we have discussed about some basic topics of quadratic equation. अपनी quadratic equations के कुछ basic topics को discuss करेंगे और देखेंगे स्टूडेंट कि इस वीडियो में हम लोग के क्या मेन टॉपिक्स हैं, किस तरीके से हम लोग सॉल्विंग करते हैं और वो सॉल्विंग के प्रोसेस क्या है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कि कौन से बेसिक प्रोसेस हैं हमारे इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में. सो फैक्टराइजेशंस बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. स्टूडेंट हम लोग को फैक्टराइज करना है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से. स्टूडेंट हम लोग ने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस किया था, भाई फैक्टराइजेशंस तो हमारे थ्री बेसिक प्रोसेस थे. हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर फाइंड करने के, उसके रूट्स फाइंड आउट करने के, मीन्स उसको रूट्स फाइंड करने के यानी उसको सॉल्व करने के थ्री बेसिक प्रोसेस थे जिसको हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. भाई वो थ्री प्रोसेस थे फैक्टराइजेशंस, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था मींस हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग था फैक्टराइजेशंस, दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. वो हमारा कंप्लीट है, उसमें हमने सारी बेसिक्स कंडीशंस को कंप्लीट किया हुआ है यानी कि कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशंस का बेसिक क्या है. भाई जो हमारा जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग प्रोसेस है ये स्टूडेंट हमारे लिए 10th क्लास में कोई नया नहीं है. भाई इससे पहले भी क्लासेस में हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक कर चुके हैं. तो यहां पर हमारे पास एक न्यू पार्ट है, मींस एक न्यू टॉपिक है, एक न्यू वे है जिससे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. ठीक है ना. तो यहां पर फैक्टराइजेशंस का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशंस बाय मेकिंग स्क्वायर यानी कि मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है इक्वेशंस को, हमें उसको जरा इस तरीके से चेंज करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए, हमारी इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए और फिर हम उसको इजीली फैक्टराइज कर सकें. तो यहां पर हम लोग उस सेकंड मेथड को डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पर फैक्टराइजेशंस बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड है. तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, आपको बेसिक्स बताता हूँ भी कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट अ सिंपल एक इक्वेशंस लेता हूँ, बहुत इजी इक्वेशंस जो कि हमारी बेसिक इक्वेशंस भी है यानी ax2. आप सभी जानते हो भाई हमारी पहली फर्स्ट इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे जनरल फॉर्म में ax2bx+c, है ना. भाई ये तो हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2bx+c जिसको हमें क्या करना है भाई, जिसको हमें फैक्टराइज करना है किसकी हेल्प से, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर यानी हमें परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से इसको फैक्टराइज करना है. सो स्टूडेंट यहां पर देखिए स्टार्ट करने का पहला स्टेप याद रखिए. भाई फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, पहले स्टेप में हमको ये ध्यान रखना है सबसे पहला वर्क कि अगर हमारी कोई इक्वेशन है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ x2 यानी स्टेप 1 ये कहता है कि जब भी हम इसको भाई क्या करेंगे, अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर तो यहां पर हमें सबसे पहला वर्क ये करना होगा जो हमारा x2 है इसके कोफिशिएंट को करना होगा 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x2 एज 1. वी हैव टू चेंज द स्क्वायर यानी जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा हमें उसे 1 के फॉर्म में रखना होगा, मींस यहां पर सिर्फ 1 बनाना होगा. अगर ऑलरेडी पहले से ही है, भाई बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जहां पर कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 होता है तो आपके लिए ये पहला फर्स्ट स्टेप जो है करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है, कंप्लीटेड है. सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई, a को मूव कराना है. अब a को मूव कराने के लिए प्रोसेस क्या है भाई, a से डिवाइड कर दो, यही तो एक प्रोसेस है. या तो इसको कॉमन टेक कर लो. अब कहेंगे सर कॉमन कैसे लें, सब में है नहीं. तो मैंने आपको बताया कि भाई जब आप कॉमन लेते हो कोई वैल्यू कॉमन हो नहीं सकती, मीन्स ऐसा कोई नंबर आपको कॉमन मिलता नहीं है और आप उससे जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो भाई वो कहाँ चली जाती है, उसके अपॉन में, है ना. अदरवाइज आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं डिवाइड करता हूँ ए से बोथ द साइड्स. सो वी हैव टू डिवाइडिंग बाय ए बोथ द साइड्स. लुक एट दिस, भाई जीरो में ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो जीरो ही आना है. जीरो में मल्टी करिए या डिवाइड करिए किसी भी नंबर से तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा. नाउ ए ब्रेक टू ऑल थ्री पार्ट्स. भाई इसके थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो इन तीनों ही टर्म्स हम ए को करेंगे डिवाइड. सो ए डिवाइड टू दिस, देन आंसर इज ओनली x2. ठीक है ना भाई, सिर्फ x2 आएगा. और यहां से क्या होगा भाई, यहां से होगा b अपॉन एक्स, लुक एट दिस, c अपॉन a और इज इक्वल टू 0. यानी कि पहला जो हमारा मेन वर्क था क्या भाई, यहां पर कोफिशिएंट को करना था 1. डन है, कंप्लीट है, हमने कर लिया है. अब ये मूव करेंगे अपने सेकंड पार्ट पे यानी अपने स्टेप नंबर 2 पे. तो स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट हमारा ये कहता है कि भाई जब आप यहां पर इसको इस फॉर्म में चेंज कर लें, सो स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो भी हमारा x का मल्टीपल है, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर प्रोसेस का, कि भाई जो भी हमारा यहाँ x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी हमको गिवन है, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, जो भी हमारा एक्स का यहाँ पर कोफिशिएंट है, मल्टीपल है, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और उतनी ही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन से। तो भाई यहाँ पर कोफिशिएंट है क्या, तो लुक एट दिस, कोफिशिएंट है बी अपॉन ए। अब इसका करना है हमें हाफ, तो हाफ का मीन्स क्या होता है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं भाई हाफ क्या करना है। हाफ का मीन्स होता है अपॉन टू, क्लियर है ना, यानी कि अपॉन टू का मीन्स आप इसके डिवाइड में टू कर दीजिए भाई, तो ये हाफ हो जाएगा। सो ये जो वैल्यू फॉर्म होगी b अपॉन टू ए, हमें इस वैल्यू का स्क्वायर ऐड करना है और इसी वैल्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। रीजन ये है कि भाई आप किसी वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को किसी इक्वेशंस में ऐड करते हो, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे उस इक्वेशंस की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। भाई आप करके चेक करके देख लो भाई, टू रख दो प्लस में, टू रख दो माइनस में, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू तो सेम है एज इट इज जैसा पहले था। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट वही चलता है, कुछ वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे स्टेप टू में चलते आगे, देखें यहाँ पर फिर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर करना है, b अपॉन ए एक्स है, और हमें करना क्या है भाई, हमें करना है इसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। सो b अपॉन टू ए, ये हुआ इसका स्क्वायर ऐड और ये हुआ इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, सो b अपॉन टू ए स्क्वायर, क्लियर है। और भाई c अपॉन ए तो एज इट इज जैसा था वैसा ही रहना है, उस पर कोई चेंज होगा नहीं, सो c अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट वैल्यू हो गई भाई। यहां तक हम लोगों ने क्या किया, पूरी वैल्यू को देख लिया भाई किस तरीके से हमें करना था। आपको समझ में आ गया भाई प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, ए मूव करिए, मींस यहां से क्या करिए भाई, यहां से कोफिशिएंट को हटा दो, वैनिश कर दो, वन बना दो। पहला बेसिक टॉपिक यही है, पहली कंडीशंस कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद जितना करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आपका मल्टीपल बनेगा भाई, एक्स का जो भी मल्टीपल चेंज हो जाएगा, पहले तो बी था बी अपॉन ए हो गया, तो जो भी मल्टीपल फॉर्म होगा उसके बाद उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दोगे और उसको ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे स्टूडेंट, इतना कर दो भाई आप। तो यहां से जरा इसको ध्यान दो, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर यहां से देखें तो ये फॉर्म हो रहा है कैसे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए भी कैंसिल, टू तो दिख नहीं रहा भाई, वो टू से टू कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर टू था, वो टू था अपॉन हो गया, देखिए ए बच रहा है। अगर आप देखो तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्लियर है, दिस इज फॉर्म द परफेक्ट स्क्वायर, इसने हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्लियर कर दिया भाई, फॉर्म कर दिया है। सो दिस इज बिकम्स एक्स, दिस इज बिकम x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, ओके। और बाकी का क्या भाई, बाकी का पोर्शन हमारा कुछ ना कुछ एक स्क्वायर है, कोई ना कोई वैल्यू फॉर्म हो जाएगी जिसको हम फाइनली सॉल्व कर लेंगे, तो उसको आप मत ध्यान दीजिए भाई। वो वैल्यू क्या बन रही है, वो क्वेश्चंस में कोई ना कोई वैल्यू फॉर्म कर ही जाएगी, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू फॉर्म कर जाएगी जिसको आप सॉल्व करके भाई परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर मेन टॉपिक था। अब सर कहेंगे फैक्टराइज कैसे करना है, तो देखिए फैक्टराइज करने पर मान लीजिए कोई भी वैल्यू हमारी यहाँ पर कुछ भी फॉर्म हो गई m, भाई कोई भी एक वैल्यू हम उसको सॉल्व करेंगे, कुछ अपॉन में भी आएगा, कैसी भी वैल्यू आएगी तो वो एक वैल्यू बन गई m, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया हमारा क्या, जीरो। भाई ये m क्या है फिर से मैं आपको बता दूं भाई, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, दिस वैल्यू व्हेन वी सॉल्व दिस होल वैल्यू, तो भाई कोई ना कोई वैल्यू तो बनेगी, सॉल्व होने के बाद कोई ना कोई नंबर तो आएगा भाई, सब कुछ नंबर के फॉर्म में, क्योंकि c अपॉन ए कांस्टेंट है, b अपॉन टू ए कांस्टेंट है, वैल्यू हमारा स्क्वायर है, सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई सॉल्विंग, कोई ना कोई आपको एक रियल वैल्यू मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी वही एक m कोई एक रियल वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट। और इस m को देखिए अब आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसको फैक्टराइज हमें करना था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये m लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे भाई, इसको अंडर रूट m का लिखेंगे स्क्वायर, भाई हो सकता है ये भी स्क्वायर बन जाए, लेकिन बाई चांस मान लीजिए नहीं बनता है तो हम उसको लिखेंगे अंडर रूट m का स्क्वायर, भाई अभी भी तो ये m है। रीजन क्या है भाई, स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर दीजिए, m फिर से आ जाएगा। सो ये वैल्यू हमारी देखिए क्या फॉर्म हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिली फैक्टराइज हो जाएगा भाई, कैसे, फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, और इस तरीके से आपके ये टू फैक्टर्स मिल जाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व करके x की टू वैल्यूज, यानी वही जो x की वैल्यूज जो आएंगी वही हमारे क्या होंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और रूट्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड कि कैसे हम लोग किसी इक्वेशंस को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो आप इसको स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके टू मेन स्टेप्स हैं और थर्ड स्टेप्स में बस आपको क्या करना है भाई, इसको कैलकुलेट करना है। मेन बेसिक स्टेप्स हमारे टू हैं, पहला क्या, कोफिशिएंट वन कर दो, सेकंड क्या भाई, जो भी एक्स का मल्टीपल है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा कि भाई कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं। चलिए क्वेश्चंस में चलेंगे और वहां पर परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको बताएंगे कि भाई कैसे हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। सो वी हैव टू गोइंग इक्वेशंस। सो लुक एट दिस 9x² - 3x - 2, ये हमें एक इक्वेशन स्टूडेंट गिवन है और इस इक्वेशन में देखिए कहा यह गया है कि भाई हमको इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर फाइंड करना है, इसके रूट्स भी निकालेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। एक चीज का स्टूडेंट और ध्यान रखेगा, देखिए जब बोर्ड में पेपर्स में आते भाई आपके पास आ गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपके सामने कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं, भाई बोर्ड वालों ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं दिया कि आप यहाँ पर फैक्टराइजेशंस यूज करिए, मींस मिडिल टर्म ब्रेक यूज करिए, आप यहाँ पर सीधा चार फॉर्मूला अप्लाई, कुछ भी। तो वहां पर आपके पास पूरी चॉइस है, जो चाहो आप लगा दो भाई, थ्री में से कोई भी एक, भाई आपके पास तो थ्री प्रोसेस है, चाहो आप मिडिल टर्म ब्रेक करो, चाहे तो आप हो सकता है कि मिडिल टर्म अगर नहीं ब्रेक हो रहा है, एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि भाई हो सकता है कि हमारी ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें मिडिल टर्म प्रोसेस लगे ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर फॉर्मूले के पास ही जाना पड़ेगा, वहां पर सीधा चार फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्री हो, यू कैन यूज एनी थ्री मेथड, एनी वन ऑफ थ्री ऑफ देम, कोई भी थ्री में से एक मेथड आप पिक कर लीजिए। और मेरे हिसाब से मिडिल टर्म ब्रेकिंग सबसे बेस्ट है, लेकिन अदरवाइज वो लगता नहीं है, तब आप जाएंगे किसकी ओर, तब हम लोग जाएंगे सीधाचार फॉर्मूला। बात करेंगे मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर की। स्टूडेंट मेरे हिसाब से ये मेथड आपको तभी यूज करना होगा जब आपको क्वेश्चन में ये एम्फसाइज किया जाए, क्वेश्चन ये खुद कहे, बोर्ड आपसे ये कहे कि भाई आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही अप्लाई करके मुझे इसे फैक्टराइज करके दिखाओ, देन यू हैव टू यूज दिस मेथड, अदरवाइज ये मेथड आपको बहुत कम ही यूज करना होगा। ओके तो चलिए मैं आपको एक यहाँ क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, किस तरीके से उसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे सामने एक इक्वेशन है, भाई पहला स्टेप क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो मल्टीपल है वो मुझे नहीं दिखना चाहिए। भाई इक्वेशन ये कहती है अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को भाई 1 कर दो, अगर 1 करोगे तभी मैं आगे का प्रोसीड करूंगी। तो चलिए ठीक है भाई हम इसको 1 बनाते हैं, करेंगे क्या, 9 से कर देंगे डिवाइड, वी हैव टू डिवाइडिंग बाय 9 बोथ द साइड। तो चलिए भाई 9 से डिवाइड करते हैं। जब आप 9 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो मैं यहाँ इसको डायरेक्टली लिखता हूँ भाई 9x² / 9, ठीक है ना, यही तो होगा। और भाई यहाँ पर हो जाएगा 3x/9, यहाँ पर हो जाएगा 2/9 और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 0/9। भाई ये भी तो होगा भाई दोनों ही साइड में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वर्क आप कर रहे हो एडिशनल वर्क तो आपको बोथ साइड करना पड़ेगा, जिससे इक्वेशन क्या रहे बैलेंस रहे। भाई हमने जो प्रोसेस इधर किया वही इधर भी किया है। बाई चांस हुआ क्या है कि 0 से डिवाइड होकर यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 ही रहेगी। सो लुक एट दिस, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो 9 से 9 कैंसिल आउट, ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी कुछ दिखती नहीं है, तो ये तो 2/9 रहेगा। सो फाइनली इक्वेशन इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ x² - x/3 - 2/9 = 0। सो लुक एट दिस, इक्वेशन का पूरा फॉर्म ही चेंज हो गया है। अब हमारा जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है स्टूडेंट तो हम जब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर। भाई हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुआ, मींस वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट 1 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का हमने कोएफिशिएंट 1 क्लियर किया, नाउ वी हैव टू मूव टू सेकंड स्टेप। इन द सेकंड स्टेप वी हैव टू ऐड और सबट्रैक्ट द मल्टीपल ऑफ हाफ द मल्टीपल ऑफ एक्स। भाई हमें एक्स के मल्टीपल का जो हाफ होगा उसका स्क्वायर ऐड करना होगा और सबट्रैक्ट करना होगा, ये हमारा सेकंड स्टेप कहता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में भाई हमारा करने के बाद जो मल्टीपल हुआ एक्स का वो क्या बचा, देख लीजिए 1/3, ठीक है ना। अब इसका आप स्क्वायर ऐड करोगे किसका, हाफ का, भाई हाफ का स्क्वायर, तो यानी हाफ का मीन्स क्या बताया आपको, 2 से कर दीजिए डिवाइड, यानी फाइनली बन जाएगा 1/6। मीन्स हमको 1/6 का स्क्वायर क्या करना है स्टूडेंट, 1/6 का स्क्वायर ऐड भी करना है और इसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करना है। तो चलिए हम इसको ऐड भी करते हैं और सबट्रैक्ट भी करते हैं। सो लुक एट दिस, x² - x/3 और हमने यहाँ पर ऐड किया 1/6 का होल स्क्वायर और भाई यही सबट्रैक्ट कर दिया मैंने 1/6 स्क्वायर। और सर ये 2/9 का क्या हुआ, भाई वो एज इट इज जैसा था वैसे ही रहेगा हमारी इक्वेशन में, उसमें मैंने अभी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई स्टूडेंट 1/6 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -1/x का स्क्वायर और ये 2/9। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है स्टूडेंट, इस वैल्यू को अगर ध्यान दीजिए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो गया है। लुक एट दिस, a² + b² - 2ab। अगर आप इसको सॉल्व भी करके चेक कर लीजिए, आंसर तो यही आने वाला। मैं चलिए आपको करके दिखाता हूँ। भाई a² हमने कहा ए स्क्वायर तो ये स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर बाई 1/6 का स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ 2ab, सो 2ab का मीन्स क्या है भाई 2 into a into b। क्लियर है? अभी यहां से करोगे आप डिवाइड तो क्या आ जाएगा x/3 माइनस का। सो लुक एट दिस माइनस x/3। सो ये बन रहा है ना भाई, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने इसको क्या किया परफेक्ट स्क्वायर किया। फॉर्म इस वैल्यू को मैंने बनाया परफेक्ट स्क्वायर। सो लुक एट दिस ये फॉर्म हो गया x - 1/6 होल स्क्वायर। लुक एट दिस। और यहां से स्टूडेंट देखेंगे तो ये क्या फॉर्म हो रहा है भाई, ये हो रहा है 1/36 भाई होल स्क्वायर किया मैंने ओपन, और दिस इज बिकम्स टू 2/9 वो ऑलरेडी था। अभी हम लोग क्या करने वाले भाई, यहां पर लेंगे हम इसका एलसीएम। सो व्हेन वी टेक द एलसीएम एंड टेकिंग माइनस साइन कॉमन आल्सो। सो यहां पर माइनस साइन कॉमन लेने के बाद भाई यहां पर लेना है एलसीएम। सो मैं यहां से करता हूं इसको मूव, और इसके बाद भाई क्या करने वाला हूं यहां से वी हैव टू टेक द एलसीएम। सो दिस इज x - 1/6 स्क्वायर, x - 1/6 स्क्वायर, टेकिंग माइनस एज कॉमन। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टेक 36 एज एलसीएम। सो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट ऑल दीज टू बिकम्स प्लस। भाई माइनस साइन कॉमन लेते हो -12 आ जाएगा, बोथ माइनस बिकम्स टू प्लस, ये तो पता है ना। तो यहां तक ये हो गया सारा प्लस। अब करने क्या किया भाई, लिया एलसीएम 36, तो 36 यहां से रहेगा 1। अब आप 9 से करोगे 4, वहां पे हो जाएगा 8। सो ये हो गया स्टूडेंट 8, यहां पर है 0। सो x - 1/6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट 9/36, बाई 9 से आप करोगे डिवाइड 1/4। सो मैंने आपसे कहा भी था कि भाई इसका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, है ना। देखिए एक नंबर फॉर्म हो गया है। अब आप इसको जरा देखिए कैसे फॉर्म होगा, x - 1/6 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां से वैल्यू फॉर्म हो गई। अभी आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हुआ भाई, फॉर्मूला हुआ फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड सेकेंड ए प्लस बी। क्लियर है? और ये हो गया इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट यहां से आप करिए थोड़ा सा और एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे। सो व्हेन वी टेक द 6 एज एलसीएम, तो 6 यहां पर एलसीएम आ जाएगा भाई, 6 से ये रहेगा 1, ये रहेगा 3, दोनों ही माइनस कॉमन आ चुके हैं, प्लस हो जाएंगे 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, यानी टोटल बन गया भाई ये 4/6। क्लियर? और यहाँ की अगर बात करें सो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम लोग देखें तो क्या होगा भाई, -1 होगा +3 होगा, तो यानी ये हो जाएगा प्लस का, अगर आप देख लीजिए यहाँ से माइनस का 1 होगा और प्लस का 3 होगा, तो 2/6 हो जाएगा। सो दिस इज बिकम 2/6, सो इक्वल टू 0। सो नाउ 2/3 फाइनली दिस इज इक्वल टू 1/3। सो द वैल्यू ऑफ x, ये तो हो गया फैक्टराइज के बाद। भाई फैक्टराइज करना था कर दिया, बात हो रही कि अगर इसके रूट्स निकालिए। सो स्टूडेंट एक एक करके आप इसको 0 को इक्वल रखेंगे। तो x फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दैट 2/3 एंड द सेकंड वैल्यू ऑफ x इज फाइंड टू -1/3। सो देयर इज 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसके 2 क्या है, ये इसके 2 जीरोस हैं या इसके रूट्स हैं या इसके सॉल्यूशन है। और स्टूडेंट हमने पूरा मेथड अप्लाई किया है इसको फैक्टराइज करने के लिए। भाई कैसे यहां पर आप देखोगे फैक्टराइज कर रहे हैं, स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। भाई क्वेश्चंस तो बहुत हो सकते हैं, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, कितने सारी क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने माइंड में 2 चीजें ध्यान रखनी भाई क्वेश्चन के कि करना क्या है। इसके 2 पिकिंग पॉइंट है, 2 ऐसे पॉइंट है जिसको आपको टारगेट करना है क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट भाई पहला आपको करना है कोफिशिएंट 1, ठीक है ना। उसके लिए क्या करोगे, जो भी वैल्यू होगी आप उससे डिवाइड कर दोगे। भाई जहां पर जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर 8 होता मैं 8 से डिवाइड कर देता, यहाँ पे 7 होता यहाँ 7 से डिवाइड कर देता, अगर यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू होती मैं उन सारी वैल्यू से उसको डिवाइड कर देता। क्लियर है? तो जो भी वैल्यू होगी आप उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद आप देखो कि भाई हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या फॉर्म हो रहा है इतना करने के बाद, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद भाई हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है 1/3, हमने देखा यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट फॉर्म हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करोगे, उसका स्क्वायर ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, सर उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और आप देखिए मैंने कैसे उसको फैक्टराइज किया है। ओके, तो ये तो हमारा मेथड था फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके कैसे हम अपनी इक्वेशन को क्या करते हैं स्टूडेंट फैक्टराइज करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये एक हमारा बेसिक प्रोसेस हो गया, मैंने आपको सिखाया कि भाई कैसे फैक्टराइजेशन करना है। ओके, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन में, कुछ और कंडीशन में, वहां मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से हमारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है भाई, आपसे दिया है सिर्फ फैक्टराइजेशन, यहाँ पर हमसे कोई भी कंडीशंस नहीं कही गई है। तो पेपर में भी ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर आपसे लिखा होता है भाई फैक्टराइज द फॉलोइंग, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो इन दिस सिचुएशन यू आर फ्री टू यूज एनीवन, मींस आप कोई भी यूज कर लो भाई, 3 आपके पास कंडीशंस हैं, जो चाहो आप उसमें से यूज कर लो, लेकिन जो सुटेबल लगे वो। भाई अगर वो फैक्टराइज हो नहीं रहा है मिडिल टर्म से देन यू कैन नॉट यूज मिडिल टर्म मेथड, तब आपको भाई जाना ही पड़ेगा दूसरे मेथड के पास। तो चलिए मैं यहाँ पहले चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या इक्वेशन इजिली सॉल्व हो रही है कि हमें इसमें परफेक्ट स्क्वायर या कुछ दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सो लुक एट दिस, ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन देख के स्टूडेंट पहले आपको ये लग रहा होगा कि भाई हम इसको 3 को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, इस 2 को करें अंदर मल्टीप्लाई, फिर ले इसका क्या एलसीएम। लेकिन सर मैं ऐसा तो नहीं करने वाला। भाई अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लेते हो फिर उसको मल्टीप्लाई करते हो, भाई एलसीएम लोगे तो यहाँ ये वैल्यू फिर से इसके, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा लेकिन टाइम सर बहुत जाएगा हमारा, और हमारे पास टाइम की भी उतनी वैल्यू है, हमारे पास एग्जामिनेशन में टाइम की वैल्यू सबसे ज्यादा है। भाई टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है, तो हमको उस टाइम को भी अपने अंडर में रखना है भाई, पकड़ के उसको भी ज्यादा हाथ से निकलने नहीं देना है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम मत दे दो कि भाई दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम ही ना बचे। तो इसके लिए क्या करें भाई, आपको तो कह रहे हो कि सर सॉल्विंग तो ऐसे ही करेंगे फिर और क्या मेथड। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या कि हम यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रोसेस लगाएंगे भाई, थोड़ा सा इसको ऐसा मेकअप करेंगे इसका कि देखने में क्वाड्रेटिक लगने लगे और हमारा ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, है ना, मेकअप में बहुत थोड़ा सा टाइम जाएगा। सो यहाँ से करते क्या भाई, 3x - 1 2x + 3 है, वैल्यू क्या कर लेंगे यहां से हम ऐसा कुछ रिलेट करें जिससे हमारा ये तुरंत फॉर्म हो जाए। कैसे भाई, क्वाड्रेटिक में। देखिए कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट दिस 3x - 1 और 2x + 3 इज इक्वल टू y। अब कहेंगे सर ये क्यों किया भाई, इसके लेने से फायदा क्या होगा। देखिए एक फायदा क्या है, वो मैंने कैसे लेट किया, क्यों लेट किया, मैं आपको रीजन बताता हूं। जब आप इक्वेशन को अच्छे से देखें, जब आप इक्वेशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि 3x - 1 न्यूमरेटर में है, 2x + 3 डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। सेम वैल्यू हमारी यहां पर है, लेकिन 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 थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई, 2x + 3 जो डिनोमिनेटर में था वो अब जंप करके आ गया है न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में ऊपर बैठा था उसने भेज दिया अपनी जगह पर उसको 3x - 1 को। यानी वैल्यू तो लिखी है सेम, वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अप एंड डाउन का अंतर है भाई, जो पहले न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ गया। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो स्टूडेंट और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे कुछ लगता है फॉर्म हो जाएगी, डायरेक्टली एलसीएम मत लीजिएगा कभी, बहुत लेंथी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे उसको एज अ वाई। अब स्टूडेंट अगर ये y है तो इस चीज पर ध्यान दीजिए, अगर 3x - 1 2x + 3 y है तो सर 2x + 3 / 3x - 1 का क्या होगा भाई, इसका क्या होगा। अरे होगा क्या भाई, ये अगर इनवर्स हो गया है तो ये भी इनवर्स हो जाएगा भाई। देख लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर भी y समझिए y/1 है, तो अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल हुआ है तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा भाई, ये 1 ऊपर आ जाएगा जम करके और y आ जाएगा नीचे। मीन्स हमारा ये है कि भाई ये भी वैल्यू इसी हिसाब से चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर हमारा 3x - 1 दिस है तो 2x + 1 अपॉन समथिंग ये 1/y होगा। अभी क्या कर रहा है भाई, अब हमको करना है रिप्लेस, इन वैल्यूज को डालना है अपने मेन क्वेश्चंस में और देखें क्या फॉर्म होता है ना। तो इन नई वैल्यूज को मैं यहां पर असाइन करता हूं इन द प्लेस ऑफ 3x - 1 एंड 2x + 3 अपॉन 3x - 1। सो लुक एट दिस, कैसी इक्वेशंस चेंज होने वाली है। अभी आप देखिएगा क्या होने वाला है, यहां पर होगा 3, लुक एट दिस, ये तो 3 है और यहां पर मैंने क्या पुट किया, y हो गया। क्लियर है ना भाई, ये वैल्यू तो पूरी y हो गई है, मैंने इसको वायलेट कर लिया है। अब ये यहाँ पर स्टूडेंट 2 और यहाँ पर रखने वाले हैं भाई 1/y, तो यहाँ पर आएगा भाई 1/y और दैट इज इक्वल टू 5। भाई ये क्या हुआ, यहाँ से देखिए सब कुछ वैनिस्ड हो गया, बहुत छोटी सी इक्वेशन बन रही है, लेकिन अभी और भी कुछ होने वाला है। देखिए लेंगे एलसीएम, y ऐसा एलसीएम, सो लुक एट दिस 3y² - 2/y, दिस y इज गोइंग टू दिस साइड, सो दिस इज इक्वल टू 5y। क्लियर है भाई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल से एलसीएम लिया है, जो बेसिक रूल होता है बेसिक एलसीएम है भाई। यहाँ पे 9y² में y था, मैंने अपॉन y को भी वहीं ट्रांसफर कर दिया भाई, उधर ही जाओ नीचे क्या करोगे। सो यहाँ पर 5y आ गया, सो 3y² - 5y - 2 इज इक्वल टू 0। जरा देख लो भाई, चेक कर लो ये इक्वेशन कैसी है भाई, ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है ना भाई, यही तो क्वाड्रेटिक होती थी, ये तो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है। अब आप ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गई है। तो बेसिकली इस इक्वेशन में एलसीएम लेके इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम बहुत छोटा सा एक y और 1/y लें और उसके बाद सीधे वैल्यू पुट कर दें, डायरेक्टली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। मीन्स आपके पास 3 चॉइस है, जो चाहो यू अप्लाई कर लो। मेरे हिसाब से मिडिल टर्म ब्रेक करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड लग रहा है। देखिए कैसे 3 2 जा हो रहा है 6। अब हमें क्या करना है भाई, हमसे कहा गया है कि यहां पर साइन है माइनस, तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिसमें जिसको सबट्रैक्ट करूं तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए। बहुत इजी है, मैंने कहा भाई 6 का ट्रिपल डिजिट कर लो, 1 × 6 = 6 होता है और 6 से -1 होगा तो वो 5 हो जाएगा। सो यहां से देखिए फैक्टर क्या हुआ भाई, फैक्टर हुआ 3y² - 6y + y, ठीक है ना। भाई 6 वन जा 6 हुआ, 6 माइनस 1 हुआ तो यहाँ पर ये 5 भी आ जाएगा और माइनस 2 एज इट इज जैसा था वैसे ही रहा। क्लियर है? तो ये तो मैंने क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक है ना, मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ क्योंकि वो इजी है। नाउ वी हैव टू टेक इन दीज टू, भाई हम इन दोनों को यहाँ से दो दो के ग्रुप बनाए, यहाँ से लिया 3y एज कॉमन, सो y माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 एज कॉमन होगा भाई, y माइनस अब 3 लिया है कॉमन तो 2 होना चाहिए, ये भी बात सही है, सही पकड़े हैं भाई, सही पकड़े हैं। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, यहाँ से इसको कर देंगे हम लोग माइनस 2, सो लुक एट दिस y माइनस 2 और यहाँ से 1 होगा, सो दिस इज ऑल्सो द y माइनस 2। नाउ वी टेकिंग y माइनस 2 बोथ एज कॉमन, भाई दोनों से ही y माइनस 2 कॉमन टेक करेंगे, सो स्टूडेंट ये हो जाएगा 3y प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद हमको करना है इक्वेट भाई y माइनस 2 वेन इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, मींस दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 2, सो फर्स्ट वैल्यू इज y इक्वल टू 2। क्या स्टूडेंट यही हमारा आंसर है? क्या हमने y के लिए ही सॉल्व करना था? तो अगर आप आंसर यहां पे लीव करते हो तो थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज है भाई, वैल्यू तो हमें x की निकालनी थी, फैक्टराइज करके वैल्यू तो फाइंड करनी थी x की, सो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, y की वैल्यू में आपने वैल्यू क्या फाइंड करी, द y इज टेकन्स टू 3y माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, सो यहाँ पर बस आपको करना ये होगा कि y की वैल्यू यहाँ पर करनी होगी रिप्लेस। सो लुक एट दिस, इन द प्लेस ऑफ y वी हैव टू राइट एज 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 एंड ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू टेक दिस साइड, सो 3x माइनस 1, नाउ दिस इज मल्टीप्लाई टू 2, सो दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली 4x प्लस 6, मैंने 6 से सीधे 2 से किया मल्टीप्लाई, और ऑल द x टेकिंग वन साइड, ऑल द नंबर्स वन साइड, सो 3x माइनस 4x, लुक एट दिस, एंड 6 प्लस 1, सो दिस इज माइनस x इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू माइनस 7, सो स्टूडेंट दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये x की वो वैल्यू है जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो आई होप आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को बेसिकली एकदम ऐसे फॉर्म में चेंज कर दीजिए जो एकदम उसके ग्राउंड फॉर्म में, एकदम बेसिक फॉर्म में हो, तो क्वेश्चन देखने में तो वैसा लग रहा था भी बहुत लेंथी जाएगा, लेकिन हम लोग ने एक ऐसा तरीका यहाँ पे यूज किया कि इसको लेट किया वाई और क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। तो क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, अगर बेसिकली आप उसको छोटा कर सकते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं, तो आप उसको बेसिकली इस तरीके से करिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं। सो लुक एट दिस, एक और फैक्टराइजेशन है भाई। फैक्टराइजेशंस में ये तो हैवी करते जा रहे हैं भाई, क्वेश्चन को देख के लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ होगा, लेकिन कभी भी क्वेश्चन की शक्ल पे मत जाइए कि भाई वो कितना लंबा है, कितना ज़्यादा वैसा लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा मेथड इसमें बड़ा लगेगा, कोई बहुत बड़ा मेथड यूज़ होगा, कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक ऐसा है इसमें, यहाँ पर मीन्स ऐसा कोई लग रहा होगा बेसिक प्रोसेस जिससे ये हमारा बहुत ईजी हो जाए, ऐसा कुछ होगा जरूर जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है, करना फैक्टराइज ही है भाई, और तो कुछ नहीं करना है, करना तो फैक्टराइज है। बेसिक्स क्या है अपने माइंड में रखिए कि बेसिक हमको क्या है, इसको भाई फैक्टराइज करना है, डरना नहीं है भाई, क्या करना है, फैक्टराइज ही तो करना है, जैसे हम सबको करते रहते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, बस है क्या भाई, यहाँ क्या हो गया ऐसा, यहाँ पर सिर्फ ए और बी तो ही आ गया है भाई, ए और बी तो ऐसा आ गया था वहां पर जो कि क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था भाई, नंबर्स की जगह ए बी आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ए बी से तो हम बहुत पहले से डील करते आए हैं, ए बी हम लोग के लिए कौन सी बड़ी बात है, तो ए बी नंबर्स आ गए भाई, नंबर्स की जगह ए बी आ गए, बाकी सब कुछ चेंज है। देखिए प्रोसेस क्या क्या कर लीजिए भाई, फैक्टराइजेशन करना है, ईजी वर्क है, करना क्या होगा, सारे एक्स एक तरफ कर लो भाई, यही तो प्रोसेस होता है जब सॉल्व करते हैं कि सारे वेरिएबल एक साइड में, सारे नंबर्स एक साइड में, तो उठा के इस वेरिएबल को उठाओ भाई, ये यहाँ अलग क्या कर रहा है, ये वेरिएबल्स यहाँ से हटाइए और यहाँ पर एज अ कांस्टेंट ए बी को अपने साथ यहाँ पर रहने दीजिए एक साथ, है ना, तो इस एक्स वाले को एक्स के साथ कर लो भाई, यहाँ पे एक एक्स है, एक एक्स यहाँ पे है, इस वाले एक्स को भी उधर ही ले जाओ, सारे एक्स एक साथ हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे नंबर्स हो जाएंगे, फिर देखते हैं क्या प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस 1/2x टू दिस साइड, सो लुक एट दिस, दिस इज टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ 1/2a प्लस b प्लस 2x प्लस 2x माइनस 1/2x, क्योंकि हमने भाई इस वाले पार्ट को यहाँ पर कर दिया है ट्रांसफर, क्लियर है ना, और यहाँ पर रिमेन क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा 1/2a प्लस 1/b, और तो कुछ नहीं है, बेसिक जो था वही लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्या लीजिए भाई, एलसीएम ले लीजिए, सो एलसीएम आएगा 2x 2a प्लस b प्लस 2x, तो यहाँ का जो बेसिक्स था वो ऐसे रहा भाई, 2a प्लस b प्लस 2x क्या हुआ, वो तो यहाँ से कैंसिल हो गया, रिमेन क्या बचा, 2x आ जाएगा, so look at this, ये 2x आ गया। इस बार क्या होगा भाई, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ 1 के साथ इंटू हो जाएगी, और सर 1 के साथ क्या माइनस भी जाएगा अंदर, तो मैं माइनस को भी ट्रांसफर करता हूँ इसके साथ में, और देखिए वैल्यू कैसे चेंज होगी, सो वैल्यू चेंज टू माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, क्लियर है ना भाई, क्या किया है देखिएगा, एक बार फिर से समझ आता हूं। यहां से 2x से करिए डिवाइड, जब मैंने 2x से किया डिवाइड तो भाई ये वैल्यू बची रिमेन, इस वैल्यू को मैंने किया 1 से मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा। लेकिन सर जब माइनस अंदर जाएगा तो कह रहे रुक जाओ भाई माइनस अभी मैं आ रहा हूं। उसने क्या किया सबको कर दिया उठा के माइनस, है ना, सब प्लस देख रहे थे बहुत खुश थे, सबको माइनस कर डाल भाई, लो सब माइनस हो गए। चलो अब इधर आ जाते हैं तो यहां पर क्या है, यहां पर भाई 2ab क्या होगा एलसीएम होगा, यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए। सो 2a से 2a कैंसिल होगा, यहां पर आ जाएगा b और यहां पर होगा 2a। क्लियर, तो यहां का भी एलसीएम कंप्लीट। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए यहां पर हो क्या रहा है भाई, ये 2x से ये 2x तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है भाई, है ना इजी, ये भाई 2x से 2x तो कैंसिल हो रहा है ना, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लें तो बहुत हद तक एक बहुत अच्छा सा एक प्रोसेस होने वाला है। जरा देखिएगा, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे स्टूडेंट ये बन जाएगा 1/this मींस 2a प्लस b। भाई माइनस कॉमन लेते हैं बोथ आर बिकम्स टू प्लस, है ना, और मैंने यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, लगे हाथ इसको भी कर लो। चलो देखते हैं इसको क्या होगा। सो ये हो जाएगा भाई, इसको अरेंज करके लिखता हूँ भाई, ये जब 2x इससे होगा, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2x से होगा तो हो जाएगा 4x²। क्लियर है ना भाई, जब इससे होगा तो हो जाएगा 4ax और फिर इससे हो जाएगा तो भाई यहां पर मैंने इसको लिखा 2xb या 2bx। सो ये हो गया 2bx। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए क्या हो रहा है, क्या ये 2a/2a प्लस b नहीं है? सर श्योर है भाई, a प्लस 2a प्लस b या b प्लस 2a, बात एक ही है। और यहां पर 2ab। क्लियर है, तो ये तो प्रोसेस हमारा क्लियर हुआ। अभी जरा देखिएगा क्या होने वाला है, ये देखिए 2a प्लस b क्या हुआ, बोथ आर कैंसिल आउट, सारा सब कुछ कैंसिल हो गया। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, भाई ये 1 और -1 है साथ में, तो ये -1 और ये दिस। यहां से करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सो देखिए कैसी इक्वेशन आपकी एकदम फॉर्म होकर एकदम इजीली बनने वाली है। सो जैसे ही आप यहां से स्टूडेंट 2a भी इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो देखिए वैल्यू क्या होगी भाई, यहां से हमारा ये वैल्यू आ गई 2ab -2ab, लुक एट दिस -2ab, क्योंकि यहां पर -1 था और ये वैल्यू 1 के साथ जाएगी तो एज इट इज सेम जैसा था ये वैसा ही रहेगा भाई 4x²। क्लियर है, फिर क्या है, फिर हमारे पास है भाई प्लस का 4ax, फिर इसके बाद और क्या है भाई, इसके बाद है हमारे पास 2bx, सो प्लस 2bx। क्लियर, और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, अभी हम इस 2ab को उधर ले जाने वाले हैं भाई, ये -2ab लक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो लुक एट दिस, ये इक्वेशन देखिए कैसे फ्रेम हो गई, 4x² प्लस 4ax प्लस 4ax प्लस 2bx और साथ में प्लस का 2ab, सो 2ab इज इक्वल टू 0 हो गया ना, इजी हो गया। अब आपको इसे क्या फैक्टराइज करना है, सर कतई फैक्टराइज नहीं करना है, खुद ही कह रहा है मैं फैक्टराइज हूं भाई, आप तो सर सिर्फ दो के ग्रुप बनाओ, आप सिर्फ बस कह रहा है सिर्फ आप ग्रुप बनाओ सॉल्व करो, मैं ऑलरेडी फैक्टराइज हूं, चाहे तो आप करके देख लो। सो भाई यहां से जब ऑलरेडी ये फैक्टराइज है तो मैंने क्या किया, ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाया तो यहां से क्या हुआ भाई 4x आया कॉमन, व्हेन वी टेक द 4x एज कॉमन, सो लुक एट दिस x रिमेन बचा और यहां से भी 4x चला गया तो a रिमेन बचा, है ना, बस इतना रह गया। और यहां से देखिए यहां से भी भाई क्या आ रहा है 2 और b कॉमन आ रहा है, सो 2b टेकन एज कॉमन, सो रिमेन क्या बचा भाई x बचा, यहां भी और साथ में बच रहा है x के साथ में भाई a, सो x plus a, लुक एट दिस, हो गया ना सेम। यहां से क्या करोगे आप x plus a कॉमन टेक करोगे, सो टेकिंग x plus a as कॉमन, सो सेकंड फैक्टर इज 4x plus 2b is equal to 0। क्लियर, सो क्वेश्चन तो देखने में कैसा लग रहा था, लग रहा था ना, ए बी है नंबर्स नहीं तो नंबर से ज्यादा इजी हो गया भाई, प्रोसेस क्या था, प्रोसेस तो सेम था, आपको बस माइंड में ये रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म ना करिए तो ऐसा तो बना ही लीजिए भाई, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा तो बना लीजिए कि अपना स्क्वायर फॉर्म में बन जाए और इजिली जैसे सॉल्व होता है वैसे ही होगा। सो यहां से जब आप फर्स्ट टर्म इसको 0 के लेंगे इक्वल से, देन a इक्वल टू -1, दिस इज द फर्स्ट रूट, और व्हेन वी टेकिंग दिस इज वैल्यू इक्वल टू 0, सेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2b/4, नो 2 डिवाइडेड टू दिस, सो द वैल्यू ऑफ x इज -b/2, सो फर्स्ट आंसर इज -a, सेकंड आंसर इज -b/2, सो दिस इज द टू सॉल्यूशंस, टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखने में तो क्वाड्रेटिक नहीं थी लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक ही है, और देखिए किस तरीके से हम लोगों ने उसको बेसिक वे से सॉल्व किया। ओके, तो क्वेश्चंस की जो देखने में आपको जो लगे क्वेश्चन की बहुत ज्यादा टफ लग रहा है वो उतना ज्यादा ईजी होता है, बस आपको अपने बेसिक्स को पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो एक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई यहाँ पर क्या कंडीशन, सभी क्वेश्चन में भी फिर से एक बार उसको ध्यान दें कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास दो तरीके हैं, आप चाहो एलसीएम भी ले लो, कुछ स्टूडेंट होंगे एलसीएम लेके कर लेंगे कि भाई यहाँ पर लेंगे एलसीएम तो इजिली एलसीएम से भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टफ प्रोसेस नहीं है। और अगर आप इसको रेसिप्रोकल है, अगर आप उसको लेट करके भी करना चाहोगे तो वो भी बहुत इजी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लुक एट दिस, यहाँ पर देखिए क्या है भाई, ये है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, आप इसको y ले सकते हो। सो ये दिस इज बिकम्स टू 1 अपॉन y, लेकिन स्टूडेंट मैं इसको x और 1 अपॉन x से नहीं बताऊंगा। रीजन क्या है, मैंने आपको अभी एक प्रोसेस उससे बताया हुआ है कि इसको कैसे लेट करना है, वो आपको क्लियर हो गया है। मैं इसको एलसीएम लेके ही सिखाऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट भाई एलसीएम ही लेके करा, नहीं सर मैं एलसीएम से ही करूंगा, तो उसके लिए भी एक मेथड होना चाहिए कि भाई एलसीएम कैसे कर लेते हैं। एलसीएम लेना सबको आता है, लेकिन कैसे करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे इजिली सॉल्व करना है, मैं उसलिए तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ पर आप कहेंगे स्टूडेंट आपने सर यहाँ पर क्यों नहीं वाई 1 अपॉन y लिया, आप उसको y 1 अपॉन। लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं सर मैं इसको क्या करूंगा, एलसीएम लेके ही सॉल्व करूंगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मान लीजिए पेपर के टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आया कि सर ये y और 1 अपॉन y, तब मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए ठीक है आप एलसीएम ले लीजिए। मैं भी इसको एलसीएम से ही सॉल्व करता हूं और मैं भी देख रहा हूं कि मेरे दिमाग में इस बार y 1 अपॉन y कतई नहीं आया, ठीक है ना। सो वी हैव टू टेक इन द एलसीएम x minus 1 x plus 1, now we have to take the LCM is x minus 1 x plus 1। क्या हुआ भाई, x minus 1 कैंसिल हुआ, x plus 1 मल्टीप्लाई होगा, so x plus 1 का होगा होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। आपकी बात मान लेता हूँ, LCM ले लिया, इसको होल स्क्वायर बना दिया। देखिए भाई x minus 1 से x minus 1 कैंसिल होगा, x plus 1 जब x plus 1 से मल्टीप्लाई होगा that is becomes to x plus 1 होल स्क्वायर, इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाए भाई, माइनस है x plus 1 से डिवाइड होगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x minus 1 का होल स्क्वायर that is equal to 5/6, क्लियर है, ये हो गया। चलिए अब करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व भाई क्या करना है, दोनों के होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। सो वी हैव टू ओपन दिस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड लुक एट दिस, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। लेकिन भाई अभी ये माइनस बाहर पड़ा हुआ, कह रहा है रख दो आप ओपन कर लो, मैं अभी सबके साइन चेंज करता हूँ। तो होंगे तो ये दोनों प्लस में, एक होगा माइनस में, लेकिन जब माइनस एंटर करेगा तो उन प्लस वालों को कर देगा माइनस, यानी कि माइनस का x² -1, और जो एक्चुअल में माइनस होना चाहिए उसको कर देगा प्लस। ओके, सो ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा पूरा। और नीचे देखिए आप डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है भाई, a - b a + b, सो यहाँ पर भाई हो गया a² - b² एंड ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 5/6, क्लियर है। चलिए अब प्रोसेस में आ जाए। सो यहाँ पर ये कैंसिल आउट, कट शॉर्ट हो गया भाई, माइनस का था एक प्लस का था, यहाँ पर 1 1, दिस इज ऑल्सो भी कैंसिल आउट बिकॉज एक प्लस में एक माइनस में। सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट रिमेन क्या बच रहा है भाई, ये +2x ये +2x, तो टोटल बनके हो गए 4x। सो इन द प्लेस ऑफ 2x + 2x न्यूमरेटर में स्टूडेंट हमारे पास टोटल आया 4x, और अपॉन में तो वही है भाई x² - 1, यहाँ तो कोई चेंज है नहीं, और ये है हमारा 5/6। अब स्टूडेंट क्या करना है भाई, अब हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, 6 जाएगा इस साइड में, ये आएगा इधर से, और देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशंस होगी भाई। नेक्स्ट इसके बाद जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज बिकम्स टू 24x भाई, 6 4 जा, और ये यहाँ पर जाएगा तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है। सो दिस इज बिकम्स टू 5x² - 5, क्लियर है। और अभी हम इसको लाने वाले हैं दिस साइड, सो 5x² - 24x - 5 ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 0, हो गया। सो भाई क्या हो रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक की प्रोसेस ही सबसे इजी रहेगा। यहाँ पर हो रहा है 25, ऐसे दो नंबर में लाना है, ब्रेक करना है, जिसका सब्ट्रैक्शन, भाई कहेंगे सर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इस क्यों का आंसर ये कि स्टूडेंट यहाँ पर जरा देखिए क्या है, ये है माइनस, और अगर माइनस है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करके ही दो वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी भाई, मल्टीप्लीकेशन तो 25 है, देखिए कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कॉर्नर का मल्टीप्लाई 25 आ रहा है, यानी हमें 24 को ऐसे दो पार्ट से ब्रेक करना है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन 24 आए बट उनका प्रोडक्ट 25, तो 25 बन जा, सबसे इजी है भाई, सबसे इजी फैक्टर यही है इसका, 5x² - 25x + x - 5 = 0, चाहे आप चेक कर लो भाई, 25 बन जाए 25, और 25 इससे करेंगे तो -24 आ जाएगा, सब कुछ सही चल रहा है। 5x लेंगे कॉमन, सो लुक एट दिस, x बचेगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर x - 5, ये सब हो जाएगा 0, x - 5 टेकन एज कॉमन, भाई x - 5 लेंगे कॉमन, तो रिमेन क्या बच रहा है, रिमेन बच रहा है 5x + 1, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा भाई, आप इसको 0 इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक बार करोगे तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू हमारे पास है, एक है 5, दूसरा है -1/5, तो बोथ वैल्यूज आर कम्स, दोनों ही आ गई, और हमारे ये दोनों ही रूट्स फाइंड आउट हो गए। हम लोगों ने पूरी इक्वेशंस को क्या कर दिया भाई, फैक्टराइज कर दिया। सो स्टूडेंट अगर आप एलसीएम लेके करना चाहें तो मैंने आपको एलसीएम लेके भी करके सिखाया। कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैं इसको y और 1/y लेके करूंगा, वो भी इजी है, उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वहां पर वो मेथड अप्लाई करिए। सो स्टूडेंट, हम लोग ने यहाँ पर क्या किया भाई, वीडियो में हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस सीखा कि कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके क्या कर सकते हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब बोर्ड के एग्जाम होंगे वहां पर अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, मींस ये अगर आपको एम्फेसाइज नहीं किया है बोर्ड वालों ने कि भाई इसको आप मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा के ही करो, देन यू कैन यूज एनी थ्री मेथड, तीनों ही चल जाएंगे जो आपको अच्छा लगे। ज्यादातर आप प्रेफरेंस करिए मिडिल टर्म ब्रेक को। अगर सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है देन वी हैव टू गो विथ फॉर्मूला। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है। फॉर्मूले में हम तब जाते हैं जब हमारे पास भाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई नहीं होता है। कुछ ऐसी भी क्वेश्चन होगी जहां पर अप्लाई नहीं होता है। लेकिन सर ये जो हम लोग ने आज अभी सीखा है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए, मींस अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि सर यूज करो ये मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड और फिर फैक्टराइज करके दिखाओ, तब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको ये मेथड अप्लाई ही करना होगा। अदरवाइज आप इन्हीं दो मेथड को ही सर्वाइव करिए, इन्हीं को ही प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझे होंगे, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट जाएंगे तो हम लोग किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कुछ और फैक्टराइजेशंस के अच्छे मेथड सीखेंगे। टिल देन थैंक यू, goodbye. Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyayanacademy.com right now.